नमस्कार दोस्तों, बिग बेस ऑडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एम्पलीफायर वायरिंग किट की, जो हमारी गाड़ी में लगती है। मुझे बहुत भाइयों के मैसेज आए थे कि आप वायरिंग किट के बारे में कुछ बताइए, कौन सी वायर हमारे एम्पलीफायर के लिए अच्छी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिर्फ वायरिंग के बारे में, कौन सी गेज हमारे एम्पलीफायर के लिए बेस्ट है। और जो भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो जब मेरे चैनल पर अपलोड होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पर मैंने भाई काफ़ी वायरिंग किट रखी हुई है, जिसमें मैं किसी का नाम किसी को भी मेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे वायरिंग किट की गेज के। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना वीडियो और बताता हूँ मैं कौन कौन सी गेज हमारे एम्पलीफायर के लिए अच्छी रहेगी। और वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर कुछ वायर के कटिंग के हुए टुकड़े देख रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि यहां से लेकर यहां तक ये 8 गेज की वायर है। ये देखिए कितनी पतली है, और जैसे जैसे इधर को जाती है तो ये थिक होती जाती है, मोटी होती जाती है। उसके बाद ये है 4 गेज की वायर। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो वायर है ये CCA वायर होती है, कॉपर क्लैड एल्युमिनियम वायर होती है। इसके अंदर एल्युमिनियम वायर को 10% कॉपर की कोटिंग की जाती है, तब ये जाकर CCA वायर बनती है। तो आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि ये वायर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वायर जो है प्राइस के तौर पर मार्केट में 500 रुपये से लेकर, ये वायरिंग किट 500 रुपये से लेकर 10,000 तक आती है, इससे ऊपर भी आती होगी। बट मेरे पास जो है 500 रुपये से लेकर 10,000 तक वायरिंग मैंने अभी तक देखी है। तो इसकी जो गेज होती है वो 8 गेज से लेकर 0 गेज तक हमारे को मिलती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें जो वायर यूज़ करनी चाहिए, वो हमें सबसे पहले तो हमें कॉपर वायर यूज़ करनी चाहिए। अगर आपका बजट नहीं बनता है, क्योंकि कॉपर वायर महंगी हो जाती है, तो आप CCA वायर यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली सभी लोग 99% या 90% कह सकते हैं कि CCA वायर ही यूज़ होती है, क्योंकि कॉपर वायर का रेट इतना ज़्यादा होने के कारण अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो वायर है आपकी, कोई भी वायर इनमें से लगा लीजिए, आपके एम्पलीफायर का बेस है ये, यानी कि एम्पलीफायर इसी के ऊपर ही चलेगा। अगर आपकी वायर थोड़ा कमज़ोर होगी तो आपका एम्पलीफायर और सबवूफर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा अच्छी वायर यूज़ करिए, अच्छे ब्रांड की वायर यूज़ कीजिए। और अब हम बात करते हैं वायर, कौन सी वायर हमारे एम्पलीफायर को सही रहेगी। देखिए, आपके एम्पलीफायर और आपके लोड के अकॉर्डिंग ये वायर यूज़ की जाती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसा पैसा आप लगाएंगे वैसी वायर आपको मिलेगी। जैसे ये वायर आप देख रहे हैं बहुत ही पतली है, और ये आप देख सकते हैं ये वायर बहुत ज़्यादा पतली है, ये उससे मोटी, ये उससे मोटी है, ये उससे मोटी है, यह सबसे मोटी है। अब आप देखिए ये 8 गेज की वायर में आपको कितनी वैरायटी मिल गई है, और जैसा पैसा आप लगाओगे वैसा
प्रोडक्ट आपको मिलेगा। मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हर एक कंपनी पैसे के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट आप तक पहुँचाती है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आपका बजट लो है तो आपको लो प्रोडक्ट मिलेगा। और अब हम बात कर रहे थे भी हमें कौन सी वायर लगानी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया भी आपको कॉपर वायर लगाना चाहिए। अगर आपका बजट नहीं बन रहा है तो आप सीसीए वायर लगा सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आपका एम्पलीफायर जो है 2 चैनल है, उसके लिए आप 8 गेज अच्छी वायर, 8 गेज की अच्छी वायर यूज़ कीजिए। अगर आपका एक सबवूफर है 300 वाट से लेकर 500 वाट तक, तो अगर उसके बाद अगर आप मोनो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो आप 4 गेज 2 गेज इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके एम्पलीफायर को सूट करे। वैसे 4 गेज भी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या आप गाड़ी के अंदर कुछ ज़्यादा एम्पलीफायर लगा रहे हैं तो अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, तो आप 0 गेज की वायर बैटरी से लेकर आएंगे तो उसके बाद फिर आपके एम्पलीफायर 4 गेज 8 गेज से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद अगर आप हल्की वायर यूज़ करते हैं तो आपको वोल्टेज ड्रॉपिंग की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप कोई भी वायर हो उसको ओवरलोड चलाओगे तो आपको वोल्टेज ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि कोई भी एम्पलीफायर है वो 12 वोल्ट से नीचे काम नहीं करता, और गाड़ी में 12 वोल्ट से लेकर 14.5 वोल्ट तक आपको एम्पलीफायर तक मिलते हैं। अगर आपकी वायर हल्की होगी तो वो वोल्टेज ड्रॉप कर देगी, आपका एम्पलीफायर बंद हो जाएगा, इसलिए वोल्टेज ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और एक चीज़ और बताऊं, ये सीसीए वायर जो होती है बहुत ही अच्छी वायर होती है, क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो कि हीट भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है, इसलिए हमारी गाड़ी के लिए बेस्ट है। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप कोई भी वायरिंग किट लगा रहे हैं तो आप अपनी वायरिंग किट के साथ बैटरी के पास फ्यूज लगाना ना भूलें। तो ये थी सेफ्टी पर्पस की बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी की। अगर आप साउंड क्वालिटी अच्छी चाहते हैं तो आप अच्छे गेज की वायर यूज़ कीजिए और अच्छी ब्रांडेड वायर यूज़ कीजिए ताकि आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके। अगर आप सिस्टम को 10,000 का सिस्टम लगाते हैं तो आप एक वायर भी अच्छी यूज़ कीजिए, क्योंकि हम वायर पर पैसा लगाने पर थोड़ा कतराते हैं कि हम इतना महंगा वायर नहीं लगाएंगे। बट आपकी वायर जितनी अच्छी होगी आपके एम्पलीफायर और आपके सबवूफर की लाइफ और परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमें वायर कौन सी और कैसी यूज़ करनी चाहिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।